सत श्री अकाल जी, तुसी वेख रहे हो चढ़दी कला टाइम टीवी ते मैं स्वाति सक्सेना तुहाडे लई एक वड्डी ब्रेकिंग सामने लैके आई हां, जिदे कि पंजाब विच महामारी ने इस समय तरथली मचाई हुई है और पंजाब दे विच वड्डी गिनती विच प्रशासनिक अधिकारियों की रिपोर्टां हुण पॉजिटिव आ रही ने। हुण IAS विपुल उज्जवल और उन्हां दी पत्नी विच महामारी की पुष्टि की गई है। विपुल उज्जवल पंजाब के पेंडू विकास महकमे के डायरैक्टर ने, जदकि उन्हां दी पत्नी सोनाली गिरी रोपड़ की डिप्टी कमिश्नर है। दोहां पति पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हफड़ा तफड़ी मची हुई है। दसयोग है कि विपुल उज्जवल 2008 बैच के IAS अधिकारी ने, उन्होंने UPSC सिविल सर्विसिज की प्रीख्या में 14वां रैंक हासिल किया, जबकि उन्होंने पत्नी सोनाली गिरी ने 42वां रैंक हासिल किया। दोहां पति पत्नी के महामारी पॉजिटिव कारण पंजाब कैबिनेट मंत्री तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने बीते कल ही विपुल उज्जवल नाल एक मीटिंग में हिस्सा लिया। दसा जा रहा है कि इस तो बाद मंत्री बाजवा ने खुद को घर में एकांतवास कर लिया, हुण महामारी टेस्ट भी करवा रहे हैं। उधर दूसरे पास पंजाब में महामारी का कहर बढ़ता ही जा रहा है, पर मजबूरिया के मारे आम लोगों को छोड़ो, सियासी लीडर भी सरकार वालों जारी दिशा निर्देशों की परवाह नहीं कर रहे। सत्ताधारी कांग्रेस समेत हर सियासी पार्टी के लीडर वड्डे इकट्ठ करके अपने प्रोग्राम कर रहे हैं। पिछले दिन ही अकाली दल के लीडर खिलाफ केस भी दर्ज हुए हैं, पर अपनी सरकार होने करके कांग्रेस को अजे कानून की कोई परवाह नहीं है। मीडिया में आलोचना होने मगरों हुण पंजाब मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी दबका मारिया। उन्होंने महामारी का खतरा बढ़ता वेख के सियासी पार्टिया के मुखिया वड्डे इकट्ठ करने को गुरेज कर लिया गया। श्रोमणी अकाली दल वालों पंजाब में किए रोस प्रदर्शनों का नोटिस लेंद्या पंजाब मुख्यमंत्री ने सियासी धिरों वालों सुरक्षा नियमों की की उलंघना से फिक्र जाहिर किए हैं। उन्होंने दसिया कि वह सियासी पार्टिया के मुखिया पत्र लिखे वड्डे इकट्ठा तो गुरेज करने आखणगे और महामारी के खतरे के मद्देनज़र सहयोग मंगणगे। पंजाब मुख्यमंत्री ने सियासी धिरों महामारी के फैलाव का कारण बनने वाली किसी भी कार्रवाई तो बचने की अपील की। अगली वड्डी खबर वल, सूबा सरकारां मालिए दी भारी घाट कारण वस्तु अते सेवा टैक्स यानी कि GST दे मुआवजे दी म्याद नूं 5 साल तक होर वधाउण दी मंग करन ते विचार कर रही है। यह अवधि 2021-22 विच खत्म हो रही है। सूबे विच इस नूं होर 5 सालां लई वधाउण दी कोशिश करनगे। उह केंद्र नूं केंद्रीय स्पोंसर स्कीमां ते खर्च अते मालिए घाटे दीआं ग्रांटां ते कोई कटौती ना करन दी गलबात करनगे। इन्हां खर्चों नूं सहन करन लई केंद्र नूं बाजार तो कर्जा लैना भी पै सकदा है। वह यह भी मंग कर सकते हैं कि केंद्र सूबियां लई बिना शर्त उधार लैण की सीमा वधा दी जाए। इस समय हर सूबे नूं बिना शर्त कर्जा चुकन दिया गया, जदों तक कि इसका वित्तीय घाटा अपने कुल घरेलू उत्पाद के 3.5% तक नहीं पहुँच जाता। सूबे विच इस हद नूं 4.5% तक वधाउणा चाहुंदे ने। GST कौंसल की इस महीने बैठक होने की उम्मीद की जा रही है, जिस विच घट सेस उग्राही के विचकार बदलवे मुआवजे के ढांचे बारे विचार वटांदरे लई होणगे। सूबे मुआवजे की आखिरी मिति वधाउण लई 15वें वित्त कमीशन नूं लिखणगे। इसलिए वह बहस भी कर सकते हैं कि 2022 तो बाद मुआवजा बंद होने तो बाद उन्होंने रोजाना खर्चों को पूरा करना असंभव होगा। उधर अज पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने विआह संबंधी अहम फैसला सुनाया। पंजाब ते हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा है कि परिवार की मर्जी खिलाफ विआह कराउण वाले जोड़े सुरक्षा के हकदार ने। सुरक्षा की मंग नूं जोड़े के विआह नूं कानूनी जां गैर कानूनी होण नाल जोड़ के नहीं वेख्या जा सकता, इत्थों तक कि नाबालिग जोड़े भी सुरक्षा के हकदार ने। दस दिए कि अमृतसर विच अपने तो करीब 5 साल वड्डी लड़की नाल विआह कराउण वाले 20 साल नौजवान की सुरक्षा की पटीशन से कोर्ट ने अमृतसर पुलिस को जोड़े की सुरक्षा संबंधी कार्रवाई के हुक्म जारी किए हैं। जस्टिस अरुण मोंगा ने आख्या है कि संविधान के आर्टिकल 21 दिए गए अधिकारों में किसी भी बालक या नाबालिग व्यक्ति की सुरक्षा को निश्चित किए जाने पहल दी जानी जरूरी है। इस समय तो आ गया देश दुनिया की होर खबर वेखने चढ़ती गला टाइम TV। धन्यवाद।